देख रहे हैं। जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपको हमारा तालीम पूरे स्नैक्स और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अपने घर से जस्ट बगल में आए हुए हैं जो हमारे भैया जी हैं, और इन्हीं के घर के जस्ट बगल में सांप निकला हुआ है, तो कॉल किए हैं, थोड़ा टाइम बता देते। 5 मिनट पहले जी, 5 मिनट पहले इनको सांप दिखाई दिया है। और टाइम कितना हो रहा है? तो दोस्तों 8 बज रहे हैं। थोड़ा अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार पांडे जी, मधुबन पांडे टोला जी, मधुबन जिला पूर्वी चंपारण बिहार। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सांप को निकालते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा सांप। तो दोस्तों, सांप को आप देख सकते हैं, इस साइड में सांप है। जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। तो दोस्तों, रात्रि का समय है और कच्चा मिट्टी का यहाँ फर्श है, इसके अंदर दिल भी है काफी, तो सांप कहीं भाग ना जाए, सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही वो सांप है। इस स्नेक को इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, और दोस्तों इसको हिंदी में नाग बोला जाता है। हाँ, पकड़िए लाइट। और दोस्तों, यह काफी खतरनाक जहरीला सांप होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, किसी को भी काट ले तो मात्र 1 से 2 घंटा का ही समय मिल पाता है। यदि आप उसके अंदर में इलाज नहीं कराइएगा तो आपका मौत होता है। इसलिए जब भी इस टाइप के सांप काटे तो सीधा आप जिला हॉस्पिटल में जाए, थोड़ा भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो दोस्तों, रात के समय सांप जो होता है काफी एक्टिव होता है, नजर पड़ा सुना, और दिन के मामले में रात के सांप बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। और गांव में इसको गेहमन बोलते हैं, कहीं कहीं इसे खरीफ तो कहीं कहीं फेटार भी बोला जाता है। साइंटिफिक नेम इसका दोस्तों नाजा नाजा है, ठीक है, देख सकते हैं। सांप के पास कान नहीं होने के कारण यह बार बार जीभ को बाहर की तरफ निकालता है, और ठंडी का समय है, यही कारण है थोड़ा ज्यादा सुस्त है। और दोस्तों, इसका एक और नाम है पलटू, यह क्षण भर में कहीं पर भी पलटी मार देता है, यही कारण है कि इसको पलटू के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं स्माइल का चिन्ह होता है, बैक साइड, इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं स्माइल का चिन्ह होता है, ठीक है। और यह अभी टॉयलेट कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, काफी खतरनाक स्थिति में है। इसके पास न तो कान होता है और न ही इसमें हड्डियां पाई जाती है, जिसके कारण से यह दूध कभी हजम नहीं कर सकता है, ठीक है। सांप चाहे कोई भी हो, दूध का हजम नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं होती है। तो चलिए, बिना समय गवाए इसको डब्बे में पैक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रात्रि का समय है और रात के समय सांप जो है काफी ज्यादा एक्टिव होता है। नहीं, होली से डबल नहीं होगा।
हेले पर आइए ना। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ बदतमीजी होता है तो यह फुंकार करके सामने वाला को डरवाने का प्रयास करता है ताकि सामने वाला जो है डर जाए, ठीक है। और काफी तेजी से फुंकार कर रहा है, अभी देख सकते हैं। और दोस्तों अभी के डेट में जो है ये रियल बाइट कर रहा है, क्योंकि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। तो अभी जो भी है रियल बाइट कर रहा है, क्योंकि मुंह खोल करके फन मार रहा है। नहीं तो ज्यादा करके होल्स बाइट करता है। तो चलिए वो काटी डबल डाउट है, सुबह हुआ बाटर डबल हो गया। लगे नहीं इसके, वही ना बचा रहा है। मैं गलती से गिरा हो जाएगा ना, घाव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इसे स्नेक का रेस्क्यू हो गया है और इसे कल सुबह में ले जाकर के छोड़ देंगे जंगल में, जंगल थोड़ा दूरी पर है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने तालिम पुरी स्नेक से और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।